क्या चाहिए? ऐसी बात नहीं करेगा तो उनको उन्होंने बड़ा बुरा लगा। भगवान के बोले मैं फल चाहिए मुझे और मुझे मांग के तो कुछ है नहीं है, तो ठीक है मैं मुझे नहीं चाहिए ऐसे ही भीतर चले। वो माता जी बड़ी दुखी हुई। उन्होंने सोचा मैं जिस कार्य के लिए भगवान ने जो भी भोजन की व्यवस्था कर गई। तो ये जो भी हम कर्म करते हैं उस सब का फल भगवान को अर्पण करते हैं कि परलोक में ही भगवान की शरण प्राप्त होती है। एक सज्जन ने जो भगवान शंकर के भक्त हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया महाराज मैं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो आपकी सेवा में सदा ही लगा रहता हूँ। आज मेरा मकसद केवल स्वर्गीय राजमाता साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ और मैं समझता हूँ कि उनके दुखद देहांत से एक भारी क्षति हुई है। पारिवारिक रिश्ते हमारे हमेशा से रहे हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मध्य प्रदेश में जो विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था उन पर कार्रवाई की चर्चा, राजगढ़ की क्या पोजीशन है साहब?